चंद्रयान 3 चल पड़ा है, निकल चला है अपने मिशन पर भारत का परचमी चंद्रमा की सतह को फनहा करने। इस बार क्या खोजेगा चंद्रयान 3, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई है। सम्मान पूर्वक देखा जा रहा है भारत को सुपर शक्तियों के कारण इस बार क्या नया कारनामा करने वाला है इसरो का चंद्रयान 3। क्या कारनामा करने वाले हैं भारत के वैज्ञानिक, ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट है उस काल से, उस टाइम्स जब सन 2008 के उस वक्त से जब चंद्रयान 1 को भेजा गया था तब बड़ी हीन भावना से देखा जाता था भारत को। उस वक्त भी यह जो सारी सुपर पावर्स हैं ये बोलती थी कि चलो ठीक है अपना स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट बना लिया है, बजट कम है, इनके पास क्या ही कर लेंगे, जाने दो चांद पर देखते हैं क्या करेंगे। कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, कोई ज्यादा हासिल नहीं थी। 2008 की बात बता रहे हैं, उसके बाद हुआ वो चमत्कार है, चंद्रयान 1 को डिजाइन इस तरीके से किया गया था इसरो के द्वारा कि वो आने वाले मूल मिशंस का रास्ता प्रशस्त कर सके। उसके अंदर क्या ऐसा प्रूफ डालकर भेजा गया था कि जो हार्ड लैंडिंग करता चांद की डार्क साइड पर, जहां उस वक्त कोई नहीं होता था, और उन्होंने वो प्रोब छोड़ दिया, वो गया हार्ड लैंडिंग की उसने, और वहां पहुंचकर उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी चंद्रयान 1 तक, जिसे रिले कर दी गई इसरो के सेंटर तक, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से क्या वातावरण है, अगर हमको यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करनी है तो क्या क्या हमें यहाँ पर इक्विपमेंट यूज करने होंगे, क्या क्या सिस्टम से यहाँ लगाए होंगे। तो सारा डेटा अब चंद्रयान से होता हुआ चंद्रयान 1 से होता हुआ इसरो तक पहुँच चुका था। जब चंद्रयान 1 ने वो प्रोब रिलीज किया, वो चंद्रमा की सतह से टकराया, तो उसके बाद जो स्टडी की उस दिन, रिसर्च की, जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ की मिट्टी पर, पेडोलॉजी पर, तो उसे पता चला कि वहाँ पर पानी हो सकता है। चंद्रयान 1 वो पहला मिशन था दुनिया का जिसने ये बताया था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है, पर नासा ने सीधे सीधे तो नहीं लेकिन 80-90% इनकार कर दिया, फिर नकार कर दिया कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग, अरे तुम छोटी सी स्पेस एजेंसी इसरो अभी अभी गए हो, पहला मिशन लॉन्च किया तुमने पानी खोज लिया, अरे हमने 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर उड़ाया वहां पर और हमें कुछ नहीं मिला, तुम यहां पर पानी खोजने की बात कर रहे हो। इवेंचुअली जिस प्रकार का रवैया था कुछ कुछ इसी प्रकार का ही था दोस्तों। उसके बाद ये बात जब पता चल गई अंग्रेजों को, पहले तो ये डिनाई करते हैं, हम ही सबसे सुपीरियर है, हम ही सबसे ऊंचे हैं, ये सोचते हैं ये सब गोरे जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने फिर भेजा लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, इन्होंने भेजा, जब वहां पहुंचा और वहां से इसने प्रोब रिलीज किया, नीचे टकराया क्रेटर्स पर और वहां से जो उल्टी बारिश हुई, जी हाँ बारिश मतलब कहने का मतलब क्या है, जो चंद्रमा क्रिएटर्स हैं, जो बड़े बड़े खड्डे बने मुझे आपको दिखते हैं यहाँ से, जो दाग जिसे हम कहते हैं वो दाग इसलिए बने हैं क्योंकि चंद्रमा का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो कोई भी आकाशीय स्टिल बॉडी आती है, चाहे वो मीटियोरॉयड हो, चाहे वो धूमकेतु हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हो, ये जब मीटियोरॉयड घुसते हैं तो उन्हें एनवायरनमेंट मिलता नहीं, तो वो फ्रिक्शन से जलते नहीं जिस प्रकार से धरती पे होता है। अपने टूटने तारों को देखा होगा, वो वही छोटे छोटे मीटियोरॉयड्स रहते हैं, उल्कापिंड होते हैं जो धरती के वायु में एंटर करते हैं, उन्हें फ्रिक्शन महसूस होता है कि बहुत सारी गैसेस है, बहुत किलोमीटर ऊपर तक एक गैसेस है, उससे वो जल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर क्योंकि एक छोटा सा वायुमंडल है या है ही नहीं, बोलते हैं उस पर स्कास से एकदम, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो वह सीधे एंटर करते हैं और सीधा उसके जमीन में टकरा जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और बेहद धैर्य करते हैं। और चंद्रयान 1 ने कहा है, बताया है कि उसी क्रेटर के अंदर में पानी जो है बर्फ बनकर जमा हुआ है, और जब LRO मिशन भेजा गया तो उसने एक प्रोब भेजा जो क्रेटर के अंदर गया, टकराया उससे, और उसके बाद वहां से प्लूम निकला गैस का, जो टुकड़े टूटे वो हवा में, उसे उन्होंने स्टडी किया, और जब ये टुकड़े टकराया नीचे जैसे, तो वहां उल्टी बारिश हुई, उल्टी बारिश होने का मतलब जो बर्फ के टुकड़े थे वो ऊपर उछले, और जब भी कोई उल्कापिंड टकराता है जो कि लगातार वहां पर होता रहता है, जो कि वहां पर वातावरण है नहीं, धरती से भी बहुत सारे उल्कापिंड जो है वो आकर टकराने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ के वायुमंडल से जल जाते हैं। चंद्रमा पर यह रेगुलर होता है जब टकराती है वहाँ के धरती से, तो वहाँ का जो पानी है वो ऊपर की तरफ उड़ता, एकदम उल्टी बारिश जैसा वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और जब LRO मिशन ने ये समझा, अरे इसके अंदर तो पानी हो सकता है, तब उन्होंने कहा नहीं, चांद पानी है पर बेहद कम है, उतना नहीं है पर चांद पानी है, यह उन्होंने जारी किया। उसका तीसरा मिशन उन्होंने भेजा, इस मिशन ने कंफर्म कर दिया कि लगभग 500 ट्रिलियन मीटर पानी वहां मौजूद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इतना काफी है वहां पर मून बेस बनाने के लिए, वहां कॉलोनी है स्थापित करने के लिए। वो बड़ी खोज चंद्रयान 1 ने की थी चंद्रमा की सतह पर, पहले मिशन से ही भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि कायम कर दी थी।
उसके बाद चंद्रयान 2 फेल हुआ, लोगों के दिल टूटे, चिकित्सक के अब चंद्रयान 3 जा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस से जा रहा है। इस बार वो सटीक काम करेगा क्योंकि यह फेलियर बेस्ड मॉडल पर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, जो गलती हुई थी उसे उसी के लिए हमने उसे करेक्ट कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया और ज्यादा उसको बेहतर बना दिया और इस बार लैंडर सॉफ्ट लैंड करके रहेगा। करने के बाद दुनिया चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया मून के ऊपर। अगर मून पर कर लिया तो कहीं पर भी कर लिया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग का वही तरीका होगा हर जगह। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में अमेरिका हो चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, सब बड़ा सीरियसली लेने लगे। 2008 का वो माहौल जहाँ उतनी अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था, इसरो को इतना बड़ा नहीं माना जाता था। भारत के स्पेस पेशेंट्स को आज दुनिया की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी बन चुका है इसरो। जी हाँ दोस्तों, हमने ना जाने कितने देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं और अभी हम सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके सबसे कम बजट में भेजने वाले कंट्री बन चुके हैं। अंतरिक्ष में किसी भी चीज को भेजना है हमारे पास, आइए इसरो के पास। इसरो आपका बेहद कम रेट में अंतरिक्ष में सेट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त जो कहा जाता था अमेरिका के द्वारा और बड़ी कंट्रीज के द्वारा, अरे यूरोपियन कंट्री बोलती थी कि इनका तो बजट ही कम है, कहाँ कर पाएंगे। अब उसी कम बजट को शक्ति बना लिया है इसने। अब उल्टी बारिश की बात तो चलिए ठीक है, जो होती है। अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान जब निकलेगा लैंडर्स विक्रम से सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, वो इस बार क्या खोजता है। फार साइड डार्क साइड ऑफ द मून 14 दिन तक स्टडी करने वाला है, वो एक ल्यूनर डे होगा। एक ल्यूनर डे इनकी चांद पे एक दिन जो होता है जो पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर होता है। तो इन 14 दिनों में वो जो वहां पर स्टडी करेगा वो बेहद जबरदस्त होगी दोस्तों। वो जो चीजें निकाल करके लाएगा वो ताला बंद करेंगे बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी के मुंह पर और समझ जाएंगे ये लोग कि भैया भारत की तरफ से समझने की क्या बात है, समझ चुके हैं। ये जो नासा है, रॉसकॉस्मोस, चीना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता है चाइना कॉपी कैट, वो भी समझ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। चाइना बड़ा बौखलाया हुआ है कि भारत यहाँ वहाँ जा रहा है, क्या करेगा। उसका जो यह मिशन जो चल रहा है वो डिफेंस पर तो नहीं भेज रहे, कहीं वो चाइना के यहाँ पर कुछ भी जासूसी करने के लिए तो नहीं भेज रहे, क्योंकि उसको लग रहा था ना कुल मिलाकर कि यह भारत अगर कोई स्पेस मिशन भेज रहा है तो कुछ ना कुछ मेरी खुफिया पंती करेगा। वो बस यही चीज चलती रहती है। लेकिन इतना तय है कि इसरो की जो इज्जत है वो एक अलग लेवल तक पहुंच चुकी है दोस्तों। और उल्टी बात तो चलिए ठीक है, अब और कौन कौन से फिनोमिनन है चंद्रमा के ऊपर ये पता लगा लेगा प्रज्ञान। जी हाँ, हो सकता है पहली मिशन नाम है जब पानी खोज लिया, तो हो सकता है इस बार तीसरे मिशन में जो अब बहुत ही कंसोलिडेट होकर बहुत कॉन्फिडेंट होकर इसरो भेज रहा है, कोई और नई फिनोमिनन पता चल जाए। इसमें एक साइस्मिक मीटर लगा हुआ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साइस्मिक एक्टिविटी भूकंपीय एक्टिविटी को मापेगा, ये बहुत जरूरी है। धरती के अंदर हमेशा साइस्मिक एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन वो ऐसी नहीं होती कि भूकंप ही आ जाए, हल्की हल्की होती रहती है। धरती के अंदर हम सब जानते हैं कि प्लेट्स है से, वो प्लेट्स घूमती रहती है जिसकी वजह से साइस्मिक वेव्स जो है वो निकलती रहती है कौ से लेकर के क्रश तक। अब देखना है कि जिस प्रकार से नासा के द्वारा बताया गया कि चंद्रमा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, वहां पर लावा ट्यूब्स तो मौजूद है पर उन लावा ट्यूब्स में कोई लावा नहीं है, तो क्या मून का कौ पूरी तरीके से शांत हो चुका है। जिस तरीके से धरती का जो कौ है, जो बीच का पार्ट है जिसके अंदर लावा भरा रहता है, बहुत गर्म होता है, क्या मून का कोई सेंट्रल कौ है जो अभी भी जागृत है, जागृत है या फिर पूरी तरीके से मर चुका है। क्या क्या चंद्रमा के सतह के नीचे दूसरी प्रकार के प्लेट्स हैं जिस प्रकार से धरती के अंदर प्लेट्स हैं? यानी कि चंद्रमा का कॉम्पोजिशन किस प्रकार का है, धरती की तरह है कि कुछ अलग है, क्योंकि होलो मून थियोरीज भी कई बार दी गई है कि अंदर से खोखला है मून, ये भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है इसके अंदर जीवन भी हो, कुछ भी नहीं नकारा जा सकता। क्या खोज कर निकालेगा प्रज्ञान रोवर ये हमको ठीक 22 23 24 जब लैंड करेगा हमारा चंद्रयान मून की सतह पर पता चलेगा। और बने हुए हमारे चैनल के साथ, जो भी लीडरशिप अपडेट होगी चल रहे हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड हम आप तक लेकर आएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, तो शेयर करें।